हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल विजय इंडिया एकेडमी। और ये सीरीज चल रही थी आपकी ट्वेल्थ इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी मैथ्स की, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा था मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स का ही आपका फोर्थ लेक्चर है। फोर्थ लेक्चर में हम यहाँ पर 1.4 एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हम कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे, और वो डेफिनेशन है आपकी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? लेट ए इज ए मैट्रिक्स ए आई विद द ऑर्डर एम एन, देन एन इंटू एम मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम ए बाई चेंजिंग द इट्स रो इंटू द कॉलम एंड इट्स कॉलम इंटू द रो इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए, एंड इट इज डिनोटेड बाई ए डैश आर ए सापेक्ष टी। अगर हमारे पास ए एक मैट्रिक्स गिवन है एम एन ऑर्डर का, तो एक एन एम ऑर्डर का यानी इसके अपोजिट ऑर्डर का एक ऐसा मैट्रिक्स जो ऑब्टेन किया गया हो ए से, लेकिन किसके द्वारा? चेंजिंग इट्स रो इनटू द कॉलम, रो को कॉलम बनाकर और कॉलम को रो बनाकर। तो उस मैट्रिक्स को हम पहले वाले मैट्रिक्स का ही क्या पढ़ते हैं? ट्रांसपोज पढ़ते हैं। अगर हम फॉर्मूले बेस पर इसको फाइंड लिखें तो ए इज इक्वल टू आई जे एम इंटू एन। अगर हम इसको डैश लगाकर डिनोटेड करें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए जे आई, यानी जो आई जे है वो जे आई में चेंज हो जाएगा और जो ऑर्डर है आपका एम एन वो एन एम में चेंज हो जाएगा। That is called the transpose of A and denoted by the A dash or the A T. For example, we have a matrix A is equal to 3, 5, root 5, 3, 1, 0 and 5 with the order 3 into 2. Now, find the transpose A dash. The change the first row R1, 3, 5 is changed into the first column C1, 3, 5 and second row root 3, 1 is changed into the second column and the row third 0 5 is changed into the third column 0 5. Then we find the matrix 2 into 3, which is the called transpose of A. Okay, now properties of the transpose. यहाँ पर transpose की कुछ properties हमें दी गई हैं। अगर हम डैश को टू टाइम फाइंड करते हैं यानी डबल ट्रांसपोज, देन इक्वल टू द इटसेल्फ ऑफ द मैट्रिक्स, उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है अगर हम दो बार उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। अब टू टाइम ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? टू टाइम ट्रांसपोज का मतलब होता है कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर अपोजिट कर देते हैं दो बार, तो दो बार अपोजिट करने का मतलब क्या होता है? दो बार अपोजिट करने का मतलब है कि वो फिर से सीधा हो जाएगा, यानी जो मैट्रिक्स आपका रियल था वही रियल मैट्रिक्स फिर से हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो रियल मैट्रिक्स मिलने के बाद में फिर उसी के इक्वल आएगा, इसका मतलब डबल डैश करने पर मैट्रिक्स उसी के इक्वल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका k इंटू ए एंड होल डैश इज इक्वल टू के ए डैश, यानी किसी भी मैट्रिक्स में अगर इसे मल्टीप्लाई करा दें किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से, तो कांस्टेंट वैल्यूज की ट्रांसपोज में मल्टीप्लाई के इक्वल ही होगी, चाहे आप ट्रांसपोज पहले ले लें या बाद में ले लें। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी आपकी a प्लस बी का होल डैश इक्वल होता है a डैश प्लस बी डैश, यानी डैश जो होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है वह मैट्रिक्स पे। ठीक है, बट साइन एज इट इज़ रहता है। इसी टाइप से अगर हम मल्टीप्लाई में टू मैट्रिक्स हमें गिवन होते हैं और उसका हमें होल्डेज दिखाना हो, तो यहाँ पर इन्वर्टेबल केस यूज होता है। किस कंडीशन को हम पढ़ते हैं? इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल कंडीशन। ठीक है, इट्स मीन अगर हम ए बी की मल्टीप्लाई पर होल्डेज टेक करते हैं, देन वी फाइंड वी डैश ए डैश, यानी सिक्वेंस ऑफ द ए बी चेंज इन टू द वी ए। बट इन दिस कंडीशन इफ द मोर देन टू मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड टेकिंग द मोड, अगर हम ए बी सी डी चार मैट्रिक्स लेकर फोर मैट्रिक्स लेकर इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो इस कंडीशन में भी रिवर्टेबल केस लगेगा और इसमें डी सी वी ए हो जाएगा विद द होल डैश, विद द इंडिविजुअली डैश। ओके, तो ये प्रॉपर्टी भी आप ध्यान रखेंगे, और इस प्रॉपर्टीज़ को आप ए और बी जो मैंने नीचे गिवन है इसकी हेल्प से इन सबको प्रूफ करके देखेंगे। अगर किसी में प्रॉब्लम आती है तो आप उसको शेयर करेंगे, कमेंट्स के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब अगली डेफिनेशन है आपकी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक डेफिनेशन की। ठीक है, तो सिमेट्रिक क्या होता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए सिमेट्रिक में एक वर्ड आया स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स केवल वही होते हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में होते हैं। इफ ए इज ए मैट्रिक्स आई जे विद द ऑर्डर एम इन टू एन इज सेड टू बी द सिमेट्रिक इफ द इट्स ट्रांसपो इफ इट्स आई जेथ एलिमेंट इज सेम एज द इट्स जे आईथ एलिमेंट। इट्स मीन इसका मतलब ये है कि अगर हम विकर्ण के एलिमेंट को छोड़कर इसके आमने सामने के एलिमेंट की अगर हम बात करें, तो ये आई जे है तो ये जे आई है, अगर ये आई जे है तो
तो ये जे आई है, अगर ये आई जे है तो ये जे आई है। इट्स मीन अगर ये 1 2 है तो ये 2 1 है, ये 1 3 है तो ये 3 1 है, ये 2 1 है तो 1 2 है, सॉरी ये आपका 3 2 है तो ये 2 3 है। यानी क्रम जो होता है आपका 2 3 बराबर हो जाए ए 3 2 के। एलिमेंट में अगर बेस को देखें आप तो 2 3 3 2 के बराबर होने पर ऐसी कंडीशन में उसको हम सिमेट्रिक कहते हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या होती है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसफोर अगर हम टेक करते हैं तो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स का मैंने एग्जांपल लिया जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर जो अदर एलिमेंट्स होते हैं वो आपके सेम होते हैं, इसकी बहुत बड़ी पहचान होती है, ध्यान रखेंगे। और इसका ट्रांसफोर लेने पर इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। स्क्वायर रूट 3 2 3 स्क्वायर रूट 2 3 एंड 2 स्क्वायर 2 माइनस 1.5 माइनस 1 2 माइनस 1.5 माइनस 1, इस तरीके से आप देखें तो दोनों ही इक्वल हैं। तो ये है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका ट्रांसफोर लेने पर उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़े। नेक्स्ट है आपका स्क्यू सिमेट्रिक। अगर हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को इस सेट टू बी ए स्क्यू सिमेट्रिक्स कह सकते हैं इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, ये इसकी कंडीशन होती है। अगर हम फर्स्ट में ट्रांसपोज लेने पर इस पर कोई डिफेक्ट ना पड़े तो सिमेट्रिक होता है, और अगर माइनस लेने ट्रांसपोज लेने पर अगर ये वैल्यू माइनस ए के इक्वल हो जाती है इट्स मीन इट इज़ कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसी कंडीशन में कंडीशन यही अप्लाई होगी बट बिट निगेटिव आएगी, ठीक है। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में केवल इतना डिफरेंस होता है कि ट्रांसपोज लेने पर अगर एज इट इज रहा तो सिमेट्रिक, और अगर नेगेटिव कॉमन आ गया तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। चलिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है, और यहाँ पर लिख रखा मैंने ए इज इक्वल टू 0 EF - E 0 G - F - G और 0। आप देख रहे हैं कि इसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, 0 0 होते हैं, यानी किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा डायगोनल एलिमेंट 0 0 रहेंगे। उसके जो अपोजिट एलिमेंट रहेंगे उसमें प्लस माइनस का डिफरेंस होगा, क्योंकि अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं तो ये एलिमेंट आपस में चेंज हो जाएंगे और माइनस कॉमन लेने पर फिर से यही मैच हो जाएगा, इसलिए हम इसको स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थ्योरम नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर एक थ्योरम मैंने लिखी है, ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुई है और आने के चांस भी रहते हैं। यहाँ पर लिखा है कि फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए हुज एलिमेंट्स आर रियल, सम ऑफ ए एंड ए डैश इज ऑलवेज सिमेट्रिक एंड द डिफरेंस इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि उसके जब उसके एलिमेंट रियल हों तो उसका जो सम होगा ए और ए डैश का वो सिमेट्रिक होगा, और अगर हम उसका डिफरेंस ले लें तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये हमें प्रूफ करना है, यानी किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड कर दें तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाता है, और अगर किसी मैट्रिक्स के से हम उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स को माइनस कर दें तो वो स्क्यू सिमेट्रिक्स बनाता है। ये हम पर एक थ्योरम है, ये कभी भी पूछ ली जाती है, ये प्रूफ करने के लिए भी दे देता है। एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें आपको किसी मैट्रिक्स दी गई होगी उसके ट्रांसपोज को उसी में ऐड करना है, ऐड करने के बाद उसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने पर आप देखेंगे कि ट्रांसपोज प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएगी, उसकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और प्लस एज इट इज़ रहेगा, लेकिन जहाँ डबल डैश होता है वहाँ रिमूव हो जाएगा, और फिर इसके हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से सीक्वेंस को चेंज कर लेंगे, जिससे आप देख रहे हैं कि बी जिसको हमने लेट किया था वही वैल्यू फिर से रिपीट हो गई है। यानी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर अगर उसका रिपीटेशन हो जाता है तो वो सिमेट्रिक होती है, और अगर इसी टाइप से हम प्लस की जगह माइनस ले लेते हैं तो देखिए इसको हमने सी लेट किया है, माइनस टेक किया है, फिर ट्रांसपोज लिया है बोथ साइड, और ट्रांसपोज लेने के बाद आप देखेंगे तो राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज लेने पर माइनस एज इट इज रहेगा, लेकिन ये डबल डैश जो है ये रिमूव हो जाएगा, और माइनस कॉमन लेने पर ये फिर से सी में मैच हो जाएगा लेकिन विद माइनस, ठीक है। और ये नेगेटिव कंडीशन की वजह से सी इज कॉल्ड द स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पर हमने देखा कि किसी भी मैट्रिक्स के उसके ट्रांसपोज में ऐड करने पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है, और उसके माइनस करने प्लस करने पर मैट्रिक्स सिमेट्रिक, और माइनस करने पर स्क्यू सिमेट्रिक्स फाइंड होता है। इसी टाइप की एक थ्योरम और भी इसमें आपको देखने को मिलेगी, जिसमें दे रखा है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड द सम ऑफ द टू मैट्रिक्स फर्स्ट सिमेट्रिक एंड सेकेंड स्क्यू सिमेट्रिक। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम चेंज कर सकते हैं इन द सम ऑफ टू मैट्रिक्स, किसी भी दो मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में, जिसमें फर्स्ट मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक होगा और सेकेंड आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो इसके लिए देखो मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये लिख रखा है, और इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक ए की वैल्यू ली है और ए को यहाँ पर मैंने किस तरीके से सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में चेंज किया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ए लेट किया है, और ए इज़ द स्क्वायर मैट्रिक्स एंड वी राइट, और हम लिख सकते हैं अगर ए को हम हाफ प्लस हाफ टू टाइम लिख दें और उसमें डैश का हाफ प्लस कर लें और माइनस कर लें तो यहाँ पर 1 2 3 4 टर्म हो जाएंगे। तो फर्स्ट और थर्ड टर्म हम एक साथ कर लेंगे, मतलब टुगेदर कर लेंगे, थर्ड और फोर्थ टर्म हम
टुगेदर करेंगे, माइनस वन बाई टू कॉमन लिखेंगे और फर्स्ट को हम पी लेट कर लेंगे, सेकंड को क्यू लेट कर लेंगे, इट्स मीन ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि पी इज इक्वल टू जो है वो ए प्लस ए डैश की फॉर्म में है और क्यू जो है वो आपका ए माइनस ए डैश की फॉर्म में है। और अभी अभी हम ऊपर प्रूफ करके आए हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज में ऐड करने पर सिमेट्रिक फाइंड होता है और माइनस करने पर हमें स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड होता है। तो अगर हमें इसकी वैल्यू दे दी जाए और इसमें वैल्यू पुट करके हम वैल्यू फाइंड कर लें तो हम कह सकते हैं कि ए की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी इसके, और साथ साथ में इक्वल होने के साथ साथ पहला जो मैट्रिक्स फाइंड होगा वो सिमेट्रिक होगा, सेकेंड जो फाइंड होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो चलिए इसके बाद हम पहुँचते हैं एक्सरसाइज पर 3.3 पर, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 3.3 है, यहाँ पर हिंदी में दे रखी है बट मैं आपको इंग्लिश में समझा दूंगा क्या करना है आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख रहे हैं, ये परिवर्त यानी आपको ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज वेरी इजी, आपको देखो ये कॉलम मैट्रिक्स में दे रखा है, आप इसको रो मैट्रिक्स में चेंज कर देंगे। ये 2x2 का एक मैट्रिक्स दे रखा है, इसमें 1-1 को आप रो को कॉलम बना देंगे और इस सेकेंड रो को आप सेकेंड कॉलम बना देंगे। इसी टाइप से आप थर्ड भी कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ए और बी हमें दो मैट्रिक्स दे रखे हैं और कहा है कि सत्यापित कीजिए, यानी हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड फाइंड करनी है। तो इसमें कितनी दिक्कत नहीं आएगी आपको, सबसे पहले आप ए और बी को ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है। लेकिन पहले ट्रांसपोज लेंगे फिर ऐड कर लेंगे तो आपको राइट हैंड साइड मिल जाएगी। तो प्लस माइनस करना आपको आता है, समझ गए होंगे, ट्रांसपोज आपको आता है, समझ गए होंगे, बहुत आसान है। तो ये कंडीशन आप एज इट इज़ सॉल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होती तो आप शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी इसी टाइप से है। क्वेश्चन नंबर फोर की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर फोर में लिखा है ए डैश की वैल्यू हमें गिवन है, बी की वैल्यू हमें गिवन है और हमें फाइंड करना है ए प्लस टू बी का होल डैश। इफ़ वी हैव द गिवन ए डैश देन फाइंड द ए डबल डैश। जब ए डबल डैश फाइंड करेंगे तो आपका ए की वैल्यू रिपीट हो जाएगी और इसका डैश लेने पर ये ए के इक्वल हो जाएगा। देन मल्टीप्लाई दैट बाई टू इन वी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स में अगर हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे, टू वन जै टू, टू वन जै टू, टू जीरो जीरो एंड टू टू जै फोर, देन माइनस द मैट्रिक्स टू बी फ्रॉम ए मैट्रिक्स, देन फाइंड द ए प्लस टू बी का होल डैश, उसके बाद हम उसका होल डैश फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव की अगर हम बात करें, देन ए एंड बी मैट्रिक्स गिवन है, हमें प्रूफ करना है ए बी का होल डैश इजिकल टू होता है बी डैश और ए डैश के इक्वल होता है। ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, फॉर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट भी होता है। तो देखो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। हमें यहाँ पर सबसे पहले फाइंड करना होगा ए बी मल्टीप्लाई, तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू एक कॉलम मैट्रिक्स है और वी की वैल्यू एक रो मैट्रिक्स दिए हैं। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट कॉलम आप देख रहे हैं, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम -1, 2 और 1 है। सबसे पहले -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, 4 और -3 आएगा। उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2, 8 एंड 6 होगा, एंड 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 1, -4 एंड 3 फाइंड होगा। ये हमारे लिए ए बी की वैल्यू है। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, ए बी होल डैश इजिकल टू, इसका जो ट्रांसपोज होगा कुछ इस तरीके से फाइंड होगा, -1, 2 एंड 1। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाया है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे और जो थर्ड कॉलम है रो है सॉरी उसको थर्ड कॉलम बना देंगे। ये हमारे लिए लेफ्ट हैंड साइड फाइंड होगी। देन वी विल सॉल्व द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वी डैश इंटू ए डैश करना है। वी डैश हमारा वी ये वैल्यू थी, इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये आपका कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा और जो फर्स्ट ए था वो आपका कॉलम मैट्रिक्स से रो मैट्रिक्स बन जाएगा। देन मल्टीप्लाई करेंगे C1, C2 और C3 की, C1 मल्टीप्लाई इन द कॉलम फर्स्ट रो सेकंड रो एंड थर्ड रो 1, तो -1, 2 एंड 1, देन मल्टीप्लाई बाय द -4, +4, -8 एंड -4, देन मल्टीप्लाई बाय द थर्ड कॉलम 3, -3, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3। आप देख रहे हैं कि ये आपकी राइट हैंड साइड और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी, ये दोनों ही क्या हैं, इक्वल आई हैं। इसका मतलब ये कंडीशन आपकी प्रूफ हो गई। इसी तरीके से आप आगे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे शेयर करेंगे, ठीक है, कमेंट्स के माध्यम से या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अगर आपको लाइक करना है तो लाइक करें, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अगर आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी दबाएं।